वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा। बयालीस घंटे बीत चुके हैं और अभी कितना समय लगेगा कहा नहीं जा सकता। राहुल को बचाने की हर संभव कोशिश जारी है, सभी टीमें लगी हुई हैं। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के जांजगीर की है, जहां शुक्रवार की दोपहर बोरवेल में गिरे बच्चे को बचाने के लिए 42 घंटे से ऑपरेशन जारी है। चांपा जिले के पिहरीद गांव में 11 साल का राहुल साहू बोरवेल में गिर गया, जिसके बाद लगातार SDRF, NDRF, आर्मी और जिला प्रशासन की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। इस मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बच्चे का बोरवेल में गिरना दुखद है, हम सब उसे बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बता दें कि बोरवेल में गिरे राहुल को बचाने के लिए अब तक 20 सिलेंडर ऑक्सीजन लग चुकी है। राहुल ने इस 42 घंटे के दौरान 7 केला खाया है, साथ ही जूस भी पिया है। 65 फीट गहरे बोरवेल में राहुल गिरे, राहुल तक पहुंचने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि लगभग 45 फीट तक गड्ढा हो चुका है और इस ऑपरेशन में SDRF, NDRF और आर्मी और जिला प्रशासन के लोग लगे हुए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि आज राहुल को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। इस खबर पे अभी और भी अपडेट आना बाकी है, लोग दुआ कर रहे हैं कि राहुल बाहर निकल जाए। बताया जा रहा है कि बोरवेल के अंदर राहुल का मूवमेंट देखा जा रहा है, साथ ही उसे लगातार ऑक्सीजन भी दिया जा रहा है। लड़के के पिता लाला राम साहू के मुताबिक उसने कुछ समय पहले घर के पिछले हिस्से में सब्जी की बारी के लिए लगभग 80 फुट गहरे बोरवेल की खुदाई करवाई थी। जब बोरवेल में पानी नहीं निकला तब उसे बिना इस्तेमाल किए छोड़ दिया गया। शुक्रवार को बारी में खेलने के दौरान राहुल इस सूखे खुले पड़े बोरवेल में गिर पड़ा। फिलहाल इस रेस्क्यू पे पूरे देश की नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज़।